Hi, good morning, my dear students. I hope you are fine. This is Navratn, and today I am going to give a lecture of class 6, and it is a very basic class of class 6. So without taking a time, we are going to start this lecture. जैसा कि इसमें आप देख रहे हो, जो आपका टॉपिक क्या है, सेंटेंस है और ये क्लास 6 का है. ओके, सो सबसे पहले तो आप यही समझ जाओ सेंटेंस होता है क्या है. सेंटेंस की अगर हम बात करें, सो बेसिकली आप बोल सकते हो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, कि जब आप ग्रुप बना देते हो, किसका ग्रुप बना देते हो, वर्ड्स का, और वो जब ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप का क्या निकलता है, एक कंप्लीट सेंस निकलता है. उसी को हम क्या नाम देते हैं, सेंटेंस. क्या नाम देते हैं, सेंटेंस. आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा. अब हम एक एग्जांपल चेक करते हैं. मैंने लिखा लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर. कॉर्नर मैंने क्या लिखा, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर. तो इसका कंप्लीट अर्थ है, बिल्कुल है. इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लिटिल जैक जो हो गया आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया लिटिल जैक हॉर्नर, और सैट इसमें क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया. इन अ कॉर्नर क्या हो गया, फ्रेज हो गया. क्या हो गया, फ्रेज हो गया. और ये कंप्लीट अर्थ भी दे रहा है. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब एक काम करते हैं ना, जो सेंटेंस होते हैं ना, इनके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं. ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस. जैसे आपके अंदर कोई ना कोई फीचर्स होता है, क्वालिटी होती है, वैसे ही सेम सेंटेंस के अंदर भी क्या होती है, क्वालिटी होती है. अब वो क्या होती है देख लो जरा. तो पहला याद रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल. पहली बात समझ में आई कि मींस इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. इसमें सब्जेक्ट होगा एंड प्रेडिकेट होगा, और कंप्लीट सेंस होगा इसका क्या होगा, कंप्लीट सेंस होगा. नेक्स्ट एट लास्ट फुल स्टॉप आप देख सकते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स देख सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो. तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के. ओके, आप इन्हीं को देखकर आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस है या नहीं है. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. अगर ये बात समझ में आई है तो इसमें हम प्रूफ करके देखते हैं. देखो जरा, पहला लेटर कैपिटल है. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर जैक में जे और एच में, हॉर्नर में एच, ये दोनों क्यों कैपिटल हैं? तो याद रखना ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में होता है ना, तो वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल ही होता है. तो ये पूरा हो गया सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल सही है. और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को हटा दो, मीन्स ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, इसको हटा दो, तो जो रिमेनिंग वर्ड बचता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्रेडिकेट. दिस इज योर प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में वर्ब का होना जरूरी है. ओके, इसके बाद अगला है कंप्लीट सेंस. बिल्कुल कंप्लीट सेंस है कि जो लिटिल जैक है वो कहाँ बैठा था, कॉर्नर पे बैठा था, बिल्कुल कंप्लीट अर्थ है.
लास्ट में देख लो जरा, फुल स्टॉप है, बिल्कुल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देख लेते हैं कि मीन्स जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो ना तो उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो देखना जरा, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सो देखो, बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं इसमें। एक तो होता है इसमें सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, और दूसरा इसमें होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है प्रेडिकेट, जैसा कि मैंने यहां लिख दिया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सेंटेंस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। ओके, अब देखो जरा, जैसे मैंने देखा सब्जेक्ट की बात जब मैंने की तो जैसे मैंने लिखा यासी और फिर मैं लिखा प्लेस, बिल्कुल सही है, यासी प्लेस, यासी खेलती है। फिर मैं लिखा यासी इज अ नाइस गर्ल, बिल्कुल सही है, यासी इज अ नाइस गर्ल। फिर मैंने लिखा यासी सैट ऑन द टेबल। तो ध्यान से देखो, इसमें जो यासी है ना बेटा, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। प्लेज इसमें क्या है मेन वर्ब है और इसी को आप प्रेडिकेट बोल सकते हो। इज अ नाइस गर्ल इज इसमें क्या है लिंकिंग वर्ब है और गर्ल इसमें नाउन है, नाइस इसमें एडजेक्टिव है और ए इसमें आर्टिकल है और ये पूरा पार्ट आपका क्या है प्रेडिकेट है। मीन्स इज अ नाइस गर्ल में क्या है प्रेडिकेट है। सेट इसमें मेन वर्ब है, टेबल इसमें नाउन है, द इसमें आर्टिकल है, ऑन इसमें प्रपोजिशन है, लेकिन यहां से और यहां तक ये आपका क्या है प्रेडिकेट है। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रेडिकेट में एक चीज कॉमन आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, वो वर्ब। मींस अगर प्रेडिकेट में वर्ब नहीं है तो आप उसे प्रेडिकेट नहीं मानोगे। मींस प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है, इसलिए कहा जाता है कि सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना वो उस सेंटेंस का क्या होता हार्ट होता है। ओके, ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, इसके अगले पार्ट पर चलते हैं, सेंटेंस के हम अगले पार्ट पर चलते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। बेटा इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है, यशराज बेटा बताओ कोई डाउट है क्या, हैं कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा, अगर डाउट आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। तो देखो इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं जिसका नाम है असर्टिव, या इसी को आप बोल सकते हो डेक्लेरेटिव। क्या डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखो असर्टिव सेंटेंस या डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो याद रखना जब किसी चीज के बारे में आप कुछ कहते हो से या उसको आप डिस्क्राइब करते हो, स्टेट समथिंग और समवन अबाउट। जैसे सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूं
और मैं बोलूं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही पढ़ने में क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना वो सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। मैं अगर ये बोलूं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँगा, किस पे? इंग्लिश ग्रामर पे, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। मैं अगर बोलूं अगर आप पढ़ोगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे या IAS बन जाओगे, तो ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं ये मार्कर जो है ना ये बहुत ही कॉस्टली है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब ये पहली बात तो याद रखना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें क्या होता है, एट लास्ट फुल स्टॉप आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? फुल स्टॉप। और तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू इसको आपको दिखाता हूं। मैंने लिखा माय स्टूडेंट्स आर वेरी इंडस्ट्रियस। अब बताओ यहां पे मैं पता क्या अपने बच्चों के बारे में बता रहा हूं, मतलब इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, तो वो इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। फिर मैंने लिखा एक सेंटेंस और, याद रखना ये पॉजिटिव है, ये जो सेंटेंस कैसी मीनिंग दे रहा है? पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा। जैसे मैं सेकेंड एग्जाम्पल लिखूं, यहां पर मैंने लिखा माई स्टूडेंट्स हार्डली मेक अ मिस्टेक। अब ये भी कहीं ना कहीं मैं अपने स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं कि मेरे जो छात्र हैं ना वो बड़े मुश्किल से क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये भी कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। और मीनिंग कैसा दे रहा है? पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। कैसा मीनिंग दे रहा है? पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। अब एक एग्जांपल नेगेटिव का भी सोच लो इसमें, तो बताओ सोच के। हाँ वेरी गुड। जैसे मैंने लिखा ही नेवर डज हिज वर्क, तो कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव हो गया। इसमें हम मीनिंग कैसा दे रहे हैं? नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं कि मतलब जो ही है ना वो अपना काम कभी नहीं करता है, मीन्स ये गंदा बच्चा है। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया है। लेकिन क्या असर्टिव सेंटेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो आप एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज़ बच्चों मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको सेशन कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं आप लोगों को सही से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लिखोगे ना कमेंट सेक्शन में आप लोग? हाँ बिल्कुल ज़रूर लिखना। और कोई भी आपका सजेशन होगा ना तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसको ज़रूर सुधारेंगे। अब आ जाओ बेटा सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप जो है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हम किसी को क्या दें? वेरी गुड, ऑर्डर या कमांड या मेक
रिक्वेस्ट किसी से हम क्या करें, रिक्वेस्ट करें या किसी को ऑफर करें। ऑफर क्या कर सकते हैं, एडवाइस या सजेशन। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कैसे वो क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, कुछ बच्चे हल्ला मचाते हैं तो मैडम क्या बोलती हैं, कीप क्वाइट। हाँ बोलती है ऐसा, रोहित शट योर माउथ, ऐसा बोलती है। हाँ तो ये सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब जैसे कोई आपका दोस्त है और आप चिप्स का पैकेट लेके आए हो और वो आपसे मांग रहा है, तो कैसे बोलेगा, राहुल गिव मी सम चिप्स। तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। लेकिन अगर वो आपसे ऐसे बोले, राहुल प्लीज़ गिव मी सम चिप्स, तो कहीं ना कहीं वो आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपसे बोले ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और बेटा इस टाइप के सेंटेंसेस आप डेली बोलते हो, अपने मम्मी से बोलते हो, अपने पापा से बोलते हो, अपने स्कूल्स में आप लोग बोलते हो। बोलते हो या नहीं बोलते हो, बिल्कुल अगर बोलते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या बोलते हो। अब इधर आ जाओ, एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा हम देखते हैं। मैंने लिखा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। फिर मैंने लिखा मदर प्लीज बाय मी अ पैकेट ऑफ चिप्स। मालिक चिप्स चाहिए, चिप्स। ये बेटा कौन सी मूवी का डायलॉग है, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर। मालिक चिप्स चाहिए। हेल्प द पुअर, आगे फिर मैंने लिखा डोंट, ये मैडम आप लोगों से जरूर बोलती होंगी, डोंट मेक अ नॉइस। हैं तो आप लोग चुपचाप हो जाते हो। ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे ना, ये कैसे सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। और याद रखना इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। वैसे इसमें मेन वर्ब तो ये है, ये दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, और इसमें मेन वर्ब ये है बाय, और प्लीज इसमें एडवर्ब है, और जैसा कि मदर यहाँ पे क्या नाउन है, और इसके लास्ट में भी क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, अगली एट लास्ट फुल स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसकी आप तलाश में हैं, और उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आप लोगों से बार बार पूछता हूँ, बेटा समझ में आया, समझ में आया, तो वो कैसा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। कैसा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन, या फिर टू इंक्वायर भी होता है, जब हम इंक्वायरी के लिए जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप लोग जाते हो, जब पूछते हो सर वो अगली ट्रेन कब आने वाली है और कहाँ तक जाएगी, हमें तो यहाँ जाना है, तो इंक्वायरी आप लेते हो, वो यही है टू इंक्वायर। ओके, टू इंटरोगेट भी इसमें होता है, वो पुलिस वाले जब पकड़ते हैं किसको, मुजरिम को, तो उससे इंटरोगेट करते हैं, समझ गए, पूछताछ करना एक तरीके जिसको हम बोलते हैं। और इसकी अगली प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, इसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा हु आर यू, आपसे किसी ने पूछा हु आर यू, तो आप क्या बोलोगे, आई एम दीपक। ओके, तो ये हो गया हु आर यू। और फिर आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट आर यू।
आई एम अ स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर मैंने लिखा आर यू गोइंग टू मीट देम, क्या तुम उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, यस या नो। अब याद रखना, देखो जरा, पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब इसके बाद अगला टाइप आते हैं जिसका नाम क्या है, हाँ वेरी गुड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है, टू सो सडन हैप्पीनेस, जब आप अचानक खुश हो जाते हो, हैप्पीनेस, या अचानक आप दुखी हो जाते हो, सैडनेस, या अचानक आप पछताने लगते हो जिसको हम बोलते हैं रीग्रेट, या आप बहुत ही अचानक क्या होते हैं, वंडर हो जाते हो, समझ गए, अचंभित जिसको एक तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और इसके लास्ट में क्या आता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स आता है। और इसमें ज़्यादातर आपको इंटरजेक्शंस देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इंटरजेक्शंस। और वो इंटरजेक्शंस जो होते हैं ज़्यादातर अलास या फिर हुर्रा, फिर वाव, आउच, या फी, ऐसे टर्म्स मिलते हैं आपको कहीं, याद रखना ये सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ये इंटरजेक्शंस होते हैं। अब एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा अलास, ही इज डेड। मैंने क्या लिखा, अलास ही इज डेड, या फिर मैंने लिखा वाओ वाओ। दिस इज अ नाइस फोटो। तो ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक और आप बेटा अगर देखना चाहो तो आप बहुत बोलते हैं व्हाट व्हाट नाइस सीनरी दिस इज। तो ये सेंटेंस कैसे सेंटेंसेस हैं, एस सी ई, ये सेंटेंसेस कैसे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर गए हो और जम्मू कश्मीर की वादियों को आपने देखा और देखने के बाद आपने बोला ओ माय गॉड व्हाट नाइस सीनरी दिस इज, तो ये सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो आई होप जो मैंने आपको ये बताया किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक काम करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा क्या मिले, बेनिफिट मिले। और आप अपने रिलेटिव्स को बताइए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, और हम लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं इस क्लास को रिज्यूम करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।